हम लोग यहाँ आज खादी संस्थाओं को बुलाया था। 61 खादी संस्था के प्रतिनिधि आए थे। बिहार में खादी की नई नीति बने, इस पर विचार किया। अमृत महोत्सव में, खादी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें प्रमोट किया जाए खादी को, ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। इसको लेकर पहले 4 मेले ही लगते थे खादी किए। हम लोगों ने तय किया है अमृत महोत्सव में 75 मेले लगाएंगे खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को मिला के। वो पूरे देश में भी लगाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार के खादी हैंडलूम को पहुंचाएंगे, बुनकर को मार्केट उपलब्ध कराएंगे। उसमें जो भारत सरकार के उपक्रम हैं उनसे रिस्पॉन्सरशिप लेके, क्योंकि बजट तो 4-5 मेले का ही होता था, हमने बिग स्केल पर सोचा है, उसको करने वाले हैं। और कोरोना काल में खादी संस्थाएं बहुत परेशान हुई, मुख्यमंत्री जी ने पहले इन लोगों को पैसे दिए थे, लेकिन अब जो खादी मॉल में वो या अन्य जगह सप्लाई करते हैं उसमें देरी ना हो, इसको भी देखा है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम बनाने वाले हैं, जहां 5 से 7 करोड़ रुपया लगेगा, हर जगह वो डाइंग का यूनिट और चीज़ें, जो खादी में खादी को मॉडर्न तरीके से कैसे जोड़ा जाए, और हमारी खादी को जो संस्था गांव में है उसको मार्केट, वर्ल्ड मार्केट कैसे दें। जैसे कोई छठ में न्यू जर्सी में कोई बिहार का व्यक्ति है या कोई अन्य भारतीय है, वो चाहता है खादी का कपड़ा मंगाना, तो सीधा संस्था पर एक क्लिक करेगा, डिस्ट्रिक्ट जाएगा और वहाँ से उसको सामान पहुँच जाए। अभी तो खादी मॉल में अमेजन फ्लिपकार्ट अन्य माध्यम से जोड़ा है, लेकिन इसको संस्थाओं को भी इसमें पूरी मदद करने वाले हैं। तो खादी संघ के लोगों की बात अच्छे से सुनिए। 3 मॉल अभी पटना के तर्ज पर 3 मॉल और अभी हम बना रहे हैं, जिसके अंदर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये 3 अभी अनाउंस किया है। लेकिन इरादा है कि कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम जाएं, ताकि जो बुनकर हैं उनको मार्केट उपलब्ध हो। खादी बिहार में हम ये कोशिश कर रहे हैं 75% से ज़्यादा बिहार की संस्थाओं का माल खादी में रहे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ मार्केट दे रहे हैं, काउंटर कहीं और का सामान बिक रहा है, तो मना नहीं है, लेकिन बिहारी जो बुनकर हैं उनकी मदद कैसे की जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है मुख्यमंत्री जी के सामने, 20 तारीख को इसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे और फिर कैबिनेट में उनकी मुहर के बाद कैबिनेट में जाएंगे। नई टेक्सटाइल पॉलिसी बिहार के अंदर रोजगार में मूल चूल परिवर्तन कर देगी, क्योंकि पॉलिसी लाने से पहले पूरे देश में हम इंट्रैक्शन कर चुके हैं, घूमने नहीं गए कहीं, उन्हीं का भोजन, उन्हीं का बैठक का स्थल, हम और हमारे अधिकारी गए, 1 रुपया बिहार सरकार का खर्च नहीं किया। कहीं लग रहा हो कि हम भिलवाड़ा जा रहे हैं तो चंडीगढ़ जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, मैं वहाँ गया था कलकत्ता, वहाँ बनियान वालों से मिला था, अमूल वाले, रूपा वाले, डॉलर वाले, हमने उनसे कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, तो जो बिहार में जो चीज़ बनाएगा उसका ऐड हम खुद करेंगे, है ना, बड़ा बड़ा फिल्म वाला ऐड करता है ना, हम कहेंगे ये प्रोडक्ट बिहार में बनता है, तो बिहार के लोग उसको महत्व देंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनी से कह रहे हैं हम, मोटरसाइकिल बनाने वाले, जीप बनाने वाले, कार बनाने वाले, जो भी बनाने वाले हैं उनसे हमने कहा है सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। और फिर एक नारा हमने दिया है कि बिहार में आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन है, था ना गुजरात में कहा था कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो हमने सबसे कहा है एक बार तो आइए बिहार में, बिहार के बारे में फिल्मी इमेज से मत जाइए,
बिहार में बहुत अच्छा माहौल है, उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बड़े काम हो रहे हैं, बताते रहते हैं। जितना काम होने वाला हम कम बताते हैं आपको, हम काम ज़्यादा करेंगे बताएंगे कम, काम बोलेगा, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज हमें आधा हम सब महामहिम राष्ट्रपति जी को भी साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपने शेड्यूल कार्यक्रम में खादी के लिए अमृत महोत्सव में आकर इसी खादी मॉल से मधुबनी की खादी खरीदी, फर्स्ट लेडी ने दो साड़ी खरीदी और उनकी पुत्री ने दो सूट खरीदा। हम लोगों ने उनको बहुत बिहार के लिए एक अच्छा संदेश गया, हम लोग इसको करने वाले हैं। और आप सबसे भी अनुरोध है कि खादी कोई खबर बनाने वाली चीज़ नहीं होती है, तो खादी पर भी आप सबका मीडिया, लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है उसका भी खादी पे सपोर्ट रहे। और मीडिया के लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी अमृत महोत्सव में खादी पहने और खादी को प्रमोट करने में जो भी आप मदद कर सकते हैं, बिहार के बुनकर की गरीब लोगों की आप मदद कीजिए। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।